आज अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपसेट कर दिया, कर सकती है, बाय द वे कर सकती है। लास्ट फाइव ओडीआईज में चार बांग्लादेश जीता है, पर बांग्लादेश को लास्ट फाइव ओडीआईज में चार बांग्लादेश जीता है, लास्ट फाइव ओडीआईज में चार बार बांग्लादेश जीता हुआ है, एक पाकिस्तान। गुडिया तभी पाकिस्तान ने फहीम अशरफ को रखा है, नवाज को बाहर किया और मिडल ओवर में पिटे थे, मुजीब ने रख रख के छक्के मारे, डेथ में पिटे थे, डेथ में बहुत पिटे थे, तो रख रख के छक्के पड़े थे, बहुत रन दिए। आज फिर पाकिस्तान की एक बार फिर से हम कह सकते हैं डोमिनेटिंग विन, डोमिनेटिंग विन है, बहुत इंप्रेसिव विन है एंड तगड़ा खेले हैं सारे के सारे। आई थिंक बोलर्स ने आज फिर से एक स्टेटमेंट दी है कि इस एशिया कप में भैया हमसे बच के रहना, डेफिनेटली शाहीन और नसीम, शाहीन नसीम ने आज हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग करा ली। एशिया कप शुरू होने से पहले कह रहा हूँ, आज मुझे उसमें थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, यस पाकिस्तान इज विनिंग दिस एशिया कप। सामनेग्राम आज की ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो कमेंट सेक्शन में बार बार मुतालबा कर रहे थे कि सुशांत मेहता बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले क्या कुछ कह रहा था और बाद में क्या कुछ कह रहा था, उस पर जरा वीडियो बनाई जाए। हमेशा की तरह इस बार भी पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े अपसेट की उम्मीद करने वाला सुशांत मेहता और उसके जो सात चमचे बैठे होते हैं, उन्होंने यही कहा कि चूंकि पाकिस्तान गुज़श्ता पांच ओडीआईज में से सिर्फ एक जीता हुआ है, बांग्लादेश चार मैच जीता हुआ है, तो इसलिए बड़ा कोई अपसेट कर सकता है। और पाकिस्तान की टीम को तो डरा हुआ इसलिए भी बताया गया कि पाकिस्तानी टीम ने मैच से पहले एक बड़ी चेंज की थी, मोहम्मद नवाज को ड्रॉप करके उनकी जगह फहीम अशरफ को लाया गया था। आज की इस वीडियो में आपको पहले बताएंगे कि मैच से पहले क्या कुछ कहा जा रहा था और फिर मैच के बाद किस तरह सुशांत मेहता ये कहता रहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि पाकिस्तान बड़ा डोमिनेटिंग ये मैच जीतेगा, कन्विंसिंग जीत होगी पाकिस्तान की। आप जरा अंदाजा लगाइएगा दोनों वीडियोस देखकर कि हमेशा की तरह इस बार भी सुशांत मेहता, जो बेशक कमॉन पाकिस्तान का बोर्ड उठाए, पाकिस्तान के लिए नारेबाजी भी करता नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर का वो जो कीड़ा है, जो एंटी पाकिस्तान कीड़ा है, और वो ट्विटर पर भी अपने फूल झड़ता नजर आता है। आज सुबह उसने ये ट्वीट की जो आपके सामने चल रही है, गुड मॉर्निंग 3 डेज टू ठोका ठोका, यानी 3 दिन बाद 10 तारीख को पाकिस्तान को भारत बुरी तरह ठोकेगा। अब अगला ट्वीट जरा मुलाहिजा कीजिए, सुशांत मेहता लिखता है, नो नेपाल नो पार्टी फॉर बाबर आजम। बुक स्क्रीन धा देखिए कि 151 रन नेपाल के खिलाफ इससे हजम नहीं हो रहे और ये कह रहा है कि नेपाल नहीं तो बाबर आजम भी चल नहीं सकता। जरा जाओ और स्टैट्स निकाल कर देखो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वगैरह के खिलाफ बाबर आजम का स्ट्राइक रेट क्या है या फिर बाबर आजम की एवरेज क्या है। आइए आपको दिखाते हैं कि मैच से पहले क्या कहा जा रहा था और मैच के बाद जब पाकिस्तान ने डोमिनेटिंग जीत हासिल की तब कैसे इनकी तकलीफ खुलकर सामने आ रही थी। आज अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपसेट कर दिया, कर सकती है, बाय द वे कर सकती है, लास्ट फाइव ओडीआईज में चार बांग्लादेश जीता है, पर बांग्लादेश को लास्ट फाइव ओडीआईज में चार बांग्लादेश जीता है, लास्ट फाइव ओडीआईज में चार बार बांग्लादेश जीता है, एक पाकिस्तान। गुडिया तभी पाकिस्तान ने फहीम अशरफ को रखा है, नवाज को बाहर किया, गुड भी ये पॉइंट मेरे हिसाब से, क्योंकि इस ट्रैक पे स्पिनर्स का ज्यादा रोल है नहीं, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के पास लेफ्ट हैंडेड बैटर्स भी ज्यादा है, वो भी एक अप्रोच हो सकती है कि हम नवाज को वहां से बाहर करते हैं कि लेफ्ट हैंड स्पिनर शायद आपके लिए कुछ उतना ज्यादा वहां पर मूल्य ना डाल पाए, वैल्यू ना डाल पाए, ये प्रैक्टिकल मूव हो सकता है। लेकिन मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, क्या पाकिस्तान की बॉलिंग की प्रॉब्लम आज सॉल्व होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि इंडिया के मैच से पहले जो अब तक शायद सबसे बड़ा मैच रहने वाला है, सुपर फोर में सबसे टफ मैच रहने वाला, बॉलिंग की तो आपको देखिए, आप फहीम अशरफ को लेकर आए हो, वो एज आप बोल रहे हो बीएसएल में बड़े रन मारे हैं, चलो इज्जत करते हैं भैया, आप वो बोल रहे हो कि वो बड़े अच्छे बॉलर हैं, आ गए हैं जी, वो स्टैंडर्ड नहीं है जो नसीम और शाहीन का है, ऑब्वियसली राइट, देखने वाली बात है वो कैसी बॉलिंग कराते हैं, कहां बॉलिंग करते हैं, दो साल बाद मिडिल ऑर्डर में इनके पास बॉलर है ही, शादाब को आप देख लो, शादाब ने जिस दिन अच्छा कर दिया इनके लिए बोनस है वो, वरना शादाब को आप आराम से सी ऑफ कर सकते हो, 50 रन उनको मार सकते हो 10 ओवर में, सी ऑफ कर सकते हो। नवाज तो बाहर वैसे ही हो गए, नवाज थे भी तो आपने देखा कितनी कुटाई हो गई राइट। तो बार बार मैं ये पॉइंट बोलता हूँ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों अगर शाहीन ऊपर से विकेट ना ले, बहुत अच्छी बात आपके लिए कि हमेशा ऑलमोस्ट लेता है, विकेट ही ले लेता है पहले 2 ओवर में 3 ओवर में 4 ओवर में, तो मोमेंटम आपको मिल जाता है, वहां से और विकेट मिल जाती है, लेकिन अगर उसको विकेटलेस रहे, याद है 301 अफगानिस्तान में ठोका था, तो भाई उसको विकेट ना मिले, नसीम है बढ़िया बोल रहे, बस शाहीन नसीम को छोड़ के हारिस रॉफ की कुटाई तो पक्का है ना हर मैच में ऑलमोस्ट, तो हारिस रॉफ का एक मैच में विकेट लेगा, 2 मैच में रन करेगा, या फहीम या नवाज, आज तो फहीम खेल रहा है, तो 30 ओवर तक का आपके पास असला है, 30-35 भी मान लिया चलो, बट 15 ओवर में आप फंस रहे हो। इंडिया वाले मैच में क्या हुआ, 66 फॉर 4 के बाद गावर को लगा कि भाई अब तो प्रेशर में है, इतना अग्रेसिव नहीं खेलेंगे, उसने दोनों तरीके से स्पिनर लगा दिया, इन्होंने मार मार के भरता बना दिया, इतनी आसान बॉलिंग थी राइट, इतने प्रेशर के बावजूद इंडिया पाकिस्तान गेम में, वहां पे पाकिस्तान फंस रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान ने एक बैटर कुर्बान कर दिया, नवाज फहीम अशरफ से तो बेटर ही बैटर है, उन्होंने जितना मर्जी उसने पीएसएल में मारे हो रहा है, वो देखने वाली बात, लेकिन अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट तीसरा ओडीआई वो खेले भी थे, 3-4 विकेट, बैटिंग तो ठीक ठाक है, बॉलिंग में भी वो खेले थे, ऊपर से विकेट ली, ऊपर से विकेट ली थी इन द एब्सेंस ऑफ नसीम शाह है ना, और मिडल ओवर में पिटे थे, मुजीब ने रख रख के छक्के मारे, डेथ में बहुत पिटे थे, तो रख रख के छक्के पड़े थे, बहुत रन दे, जरूर वहां पर ये भी हो सकता था इंडिया जीत जाता है, पाकिस्तान जीता, पर हमने सिर्फ एक साइड देखी थी, दूसरा साइड किसी को भी कुछ कहना बेहतर नहीं। आज
फिर पाकिस्तान की एक बार फिर से हम कह सकते हैं डोमिनेटिंग विन जरूर, थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के लिए रह गए, इसको बेहतर करेंगे। डोमिनेटिंग विन है, बहुत इंप्रेसिव विन है एंड तगड़ा खेले हैं सारे के सारे। आई थिंक बोलर्स ने आज फिर से एक स्टेटमेंट दी है कि इस एशिया कप में भैया हमसे बच के रहना, डेफिनेटली शाहीन और नसीम। आज हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग करा ली। बांग्लादेश ने कोई यार प्रॉब्लम पता क्या, इनका पता नहीं चल रहा बिकॉज अभी तक इन्होंने कोई टॉप साइड, बांग्लादेश भी आज खेल रही है। टोटली क्रेडिट टू पाकिस्तान, डॉमिनेटिंग, वेरी वेरी इंप्रेसिव, अल्टीमेट विन अगेन, वन साइड विक्ट्री अगेंस्ट बांग्लादेश, बट स्टिल बांग्लादेश जरूर। अगर मेरे माइंड में एक चीज रहेगी, क्योंकि अगर 5-6 ओवर पहले मैच थोड़ा पहले खत्म होता रन रेट और बेहतर हो जाती। अभी ये नहीं कि डोमिनेटिंग नहीं है, इट्स रियली 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 वेरी डोमिनेटिंग। लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट मैं कहूंगा रिजवान के बल्ले से रन आना, क्योंकि मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का जहां पर उतनी ज्यादा शायद पावर आपको नहीं दे रहा था, आज रिजवान के बल्ले से रन आने वो एक पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साइन। जरूर बाबर आजम का वो डिसमिसल थोड़ा सा आप कहेंगे कि गेंद नीचे रह गया, अंदरूनी किनारा भी लगा, इसमें बाबर की भी गलती कि वो उसको पढ़ नहीं पाए थे ढंग से, जहां पर गेंद थोड़ा नीचे रह गया, अंदरूनी किनारा लग गया और गेंद उसके बाद सीधा विकेट पर चली गई। बट पाकिस्तान की जो आप हम कह रहे थे कि भाई एक बड़ी चीज जो आपके लिए रहने वाली है, सुपर फोर का आगाज आपने जीत के साथ किया, अब दोनों में से एक मैच जीतना है आपका फाइनल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म है। और इंडिया का पहले एक ऑपर्चुनिटी उनका कंफर्म है, ऑलमोस्ट 100% खेलेंगे, दूसरी जीत कर देगी वो, 100% खेलेंगे। और इंडिया का भी है कि इंडिया भी 100% खेलेगी, ऐसा नहीं है, बट इनके ऊपर कोई शक नहीं है, आज ये टॉप ही जाएंगे। जो लोग मुझे बोल रहे थे भाई देखो आज मैंने कमाउंट पाकिस्तानी बोला था, पाकिस्तानी जीता, वन साइड जीता, इस आदमी ने कमाउंट बांग्लादेश बोला था, बांग्लादेश भी भस्म हो गई है ना। तो ये जरूर है कि भैया पाकिस्तान ने बढ़िया खेला है, नो डाउट बढ़िया खेला है, डोमिनेटिंग विक्ट्री दी है, बट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे क्या होना है, बिकॉज अभी भी मेरे को लगता है अफगानिस्तान विद दिस परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान ने आज डोमिनेट किया, जो थोड़े बहुत चीजें खराब लग रही थी इंडिया के मैच में, वो आज बेहतर हुई, फहीम अशरफ की बॉलिंग के साथ थोड़ा बेहतर हो गया। दिस जो बात मैं एशिया कप शुरू होने से पहले कह रहा हूँ, आज मुझे उसमें थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, यस पाकिस्तान इज विनिंग दिस एशिया कप। तो एक समय पर लग रहा था कि शायद यहाँ पे बांग्लादेश की टीम बाउंस बैक कर सकती है, चार विकेट के बाद थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा था बीच में, पाकिस्तानी बॉलर्स पर रन जरूर बना रही थी बांग्लादेश की टीम। मैंने आपको प्री मैच में यही बोला था कि हो सकता है, मुझे लग रहा है बांग्लादेश जिस तरीके की टीम है 200-225-250 से नीचे निपट जाएगी, और यही बोला था कि ये ओवर 194-8 हो गया, आधे बोला हारिस रऊफ ने विकेट पूरी ले लिया था, हारिस रऊफ ने विकेट चार विकेट ले लिया, अभी देखो चार विकेट इसको मिल गई, इफ्तिकार को विकेट दे दी, ओपनर को आउट किया, शुरू में आउट कर दिया। मैंने शुरू में भाई यही था, शुरू में इन्होंने आउट होना था तो इनकी बस की नहीं थी, तो कम ऑन पाकिस्तान आज मैंने करा, आपने मेरे पे इल्जाम भी लगाए, लेकिन असली मनुष्यत का देवता साबित होते हुए नितिन जी पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ है, स्पेशली नसीम ने जिस तरीके से ब्रेक थ्रू दिलाया, उसके बाद शाहीन ने भी,